लखनऊ हमेशा से आजादारी का मरकज रहा है। मुहर्रम का चांद निकलते ही आजादारों की ये बस्ती गम की चादर ओढ़ लेती है। 10 दिनों तक गमे हुसैन में रोने वाले इस कदर रोते हैं कि उनके दिल आंसुओं से धुलकर मुनव्वर हो जाते हैं। अय्यामे मुहर्रम में लगता है लोगों ने अपने अपने घरों से निकलकर इमाम बाड़ों में पनाह ले ली है। लखनऊ में इमाम बाड़ों की एक कहकशां है जहां मुहर्रम के महीने में गम की कंदीलें रोशन हो जाती हैं, मजलिसों का अहतमाम होता है और माहौल इतना गमगीन हो जाता है कि दरो दीवार भी बैन करने लगते हैं। पहली, सातवीं, आठवीं, नवीं व दसवीं को जुलूस निकाले जाते हैं। मुहर्रम जो है वो अगर आप गहराई से देखें, सोचें, तो वो एक मजलूम की कहानी है। और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जालिम और मजलूम। तो और हर शख्स कहीं कहीं मजलूम होता है और मजलूम की ही तरफ आदमी का दिल खींचता है। पूरा जो कला का एक एग्जिस्टेंस है वो मजलूम के ऊपर है कि मजलूम अगर नहीं होगा तो आपका दिल नहीं खींचेगा किसी चीज की तरफ, आप कला क्या बनाएंगे। इसी सूरत से मुहर्रम भी एक ऐसी चीज है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। उसमें जालिम और मजलूम का एक बहुत ही जबरदस्त मुजाहरा होता है। कर्बला की मानवीयत, उसकी जो रिलेवेंस है तारीख में भी और आज के ज़माने में भी, उसको कुरान शरीफ के हवाले से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कुरान शरीफ में एक छोटी सी आयत है वल असर के नाम से, जिसमें खुदा फरमाता है कि ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सब्र से काम लिया और हक पर, सच्ची बात पर इसरार किया। कर्बला के अलमिये में, इसकी ट्रेजडी में ये बात बहुत ही नुमाया तरीके से नज़र आती है कि उस वक्त की जो हुकूमत थी यजीद की, जो नाइंसाफी की हुकूमत थी, हुकूमत को गलत तरीके से अपने इख्तदार में लिया था, यूज़र्फ किया था नाजायज़ तरीके से। और इसलिए यजीद चाहता था कि जितने भी उस वक्त के बड़े सरदार थे वो उसकी हुकूमत की इताअत करें, उसको एलिजेंस दे दें, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और हाथ मिला लें ताकि यजीद के जो भी अहकामात हों वो शरण सही समझे जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत से इनकार किया और यह कर्बला के मैदान में 7 मुहर्रम से दाना और पानी बंद कर दिया गया। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को एक छोटी सी जंग हुई जो कि उसूलों पर थी, जो हक़ व बातिल की जंग थी, जिसमें इंसानियत की बका के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले ख़ानदान और जानिसार उसमें शहीद हुए, 72 शहादतें हुईं और उसी के ज़ैल में ये हम मुहर्रम मनाते हैं। कर्बला के लिए मेरे जहन में एक शेर गूंज रहा है कि ऐ कर्बला की खाक इस एहसान को ना भूल, तड़पी हैं तुझ पे लाशें
جگر گوشے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی اور سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول، سیراب کر گیا نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو بس نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اودھ کے نوابوں نے عزاداری کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ لکھنؤ ماتم داروں کی بستی بن گئی۔ غم حسین کو ایک احترام، ایک رواج ملا۔ مقتل میں شے نوحہ گر قاسم کی لاش، تاریخ کے روشن دانوں سے آج بھی کربلا کی سسکیاں آتی ہیں تو حسین کے چاہنے والے چیخ اٹھتے ہیں۔ ماتم کنا قافلے ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے لگتے ہیں، جگہ جگہ صفے ماتم بچھائی جاتی ہے، محفل غم برپا ہوتی ہے، تازیے رکھے جاتے ہیں، علم اٹھتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، سارے شہر میں غم حسین کے ماتم داروں کا ایک ہجوم سا نظر آنے لگتا ہے۔ نوابین اودھ، شاہان اودھ، بیگمات اودھ، روسا اور عوام، جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے قربانی سے تعلق ہے اور محرم کا تعلق ہے، تو بہو بیگم صاحبہ کے زمانے سے، جو کہ نواب شجاع الدولہ کی بیگم تھی، نواب آصف الدولہ کی والدہ تھی، فیض آباد میں عزاداری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ نواب آصف الدولہ 1775 میں انہوں نے جب وہ نواب ہوئے تو اپنا کیپٹل فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا اور یہاں آصفی امام باڑہ یا بڑے امام باڑے کی تعمیر ہوئی، اور اس میں جو شاہی جلوس اور عزاداری کا اہتمام ہوا وہ لکھنؤ میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں عزاداری کی ایک پہچان ہو گئی۔ گنگا جمنی تہذیب کو اودھ میں کافی فروغ حاصل ہوا۔ مختلف تہواروں کے موقعوں کے اوپر اس تہذیب کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ محرم میں بھی گنگا جمنی تہذیب کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ محرم میں سماج کے مختلف طبقے اپنے اپنے اعتبار سے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ مختلف طبقوں کے لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ امام حسین اور کربلا کے واقعے نے اودھ کے اندر ایک ایسی فضا قائم کر دی تھی جس کی وجہ سے یہاں مختلف طبقوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو گئے تھے۔ محرم کے زمانے میں ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اتہاس گواہ ہے دوسرے دھرموں کے لوگ بھی ہمیشہ سے غم حسین کے ساجھیدار رہے ہیں۔ کربلا کا ایک جو مظہر ہے، اس کا جو ایکسپریشن ہوا ہے ہندوستان میں، وہ محرم کی شکل ہوا ہے، اور یہ چیز کم لوگ دھیان دیتے ہیں کہ اس کی شروعات مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کی تھی 16ویں صدی میں۔ اس سے پہلے محرم جس طریقے سے ہندوستان میں اب ہم لوگ مناتے ہیں ویسے نہیں منایا جاتا تھا، اور مورخوں نے، تاریخ دانوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بابر نے اڑیسہ کے جگنناتھ مندر میں جو جلوس نکلتا ہے اس کو دیکھ کر اور متاثر ہو کر محرم کے جلوس کو نکالنے کی شروعات کی تھی۔ یعنی ہندوستان کا جو محرم ہے، اس کی جو روایت ہے، اس کے کہیں پر جڑیں ہندو ٹریڈیشن میں بھی ہیں، اور اتنے دور کے علاقے اڑیسہ میں ہیں، اور وہاں سے دیکھ کے انہوں نے محرم کو شروع کیا۔ شروع سے ہی اسی وجہ سے محرم کبھی کسی ایک مسلک یا ایک مذہب کے ماننے والوں کے بیچ قید نہیں رہا۔ میں کٹوارا کا رہنے والا ہوں، لیکن کٹکیری ضلع، اور ہمارے یہاں محرم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی شان سے ہوتا ہے، مطلب ایسا محرم نے بہت کم دیکھا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ وہاں ایک بھی شیعہ نہیں، اور لوکے جو ہیں جناب کے پاتے ہیں وہ مجلسیں وہ سب سنی ہیں،
22 से लेके 18, 19, 20, 22, 23 इस सिन के बच्चे हैं और इतना उमदा पढ़ते हैं मजलिस कि आप मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरीके से वो लॉजिक और ट्रिक और सोच समझ कर अपने उनके उनके बयान में आता है। ये कुदरत का देन है, इसमें कोई आप किसी दीन धर्म की बात नहीं। आपके जान के ये ताज्जुब होगा कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का जो पहला अलम उठा है वो बाबरी मस्जिद से ठाकुर दर्शन सिंह ने उठाया था, जो वहाँ एक सूफ़ी थे उनकी ख्वाहिश पर, और वो इतना मकबूल हुआ कि क़ुर्ब जवार से एक हजूम होता था जो कि उस अलम में शरीक होता था। हमारे वालिद एक किस्सा सुनाते थे, उनके उनके वालिद के दोस्त होते थे राजा गोयल महाराजा कृष्ण दत्त सिंह जी, तो बजा मिलाए से आए थे तो उनसे मिलने गए, तो वो जब पहुँचे वहाँ तो देखा रहा था जो है वो ज़मीन पे उनकी दरी बिछी है, गद्दा बिछा है उस पर लेटे। तो बजा ने पूछा कि चचा आप ज़मीन पर काहे लेटे, कहते तुम मूर्ख हो। तो बजाने पूछा काहे, कहते तो मुहर्रम है भाई, तो पूछा आपका क्या लेना देना मुहर्रम, कहते तुम पूरे मूर्ख हो। प्रजा का धर्म वो हमारा धर्म, तो ये मतलब लोगों की फीलिंग्स थी आस्था थी उस वक्त मुहर्रम से जुड़ी हुई। मुहर्रम सिर्फ दूसरे की फीलिंग्स का एहतराम है, अगर हम दूसरे की फीलिंग्स को एहतराम से नहीं देखेंगे तो हम एक समाज नहीं बना पाएंगे। मुहर्रम के महीने का हर दिन मरसिया पड़ता है, हर रात नौहा खानी करती है, हुसैन के दीवानों को आंसू रास आते हैं और मजलिसों का ये सिलसिला चहलों तक जारी रहता है। बड़ी बड़ी मजलिसें बरपा होती हैं जिनमें हर नस्ल, हर तबके, हर सतह के लोग शामिल होते हैं। हुसैन के जानिसारों में गैर मुस्लिम भी मुस्लिम आजादारों के साथ शाना बशाना शरीक रहते हैं। और हिंदू भी उसको मानता है उतने ही जितना मुसलमान मानता है। अभी मैं इंदौर में था, एक फिल्म बना था, तो वहां पर जो महाराजा इंदौर के हैं उनका ताजिया जो है सबसे आगे रहता है, नर्मदा में उसको उसका विसर्जन होता है और महाराजा का ताजिया है वो सबसे आगे रहता है। जितनी भी हिंदू रियासतें हैं वहाँ के जो महाराजा हुए हैं उन्होंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है। एक तो मुहर्रम की वो रूह के अंदर पहुँच गए और रूह के अंदर पहुँच के उन्होंने उस चीज़ को अपने अंदर इंटरनलाइज करने की कोशिश की। तो मुहर्रम का मकसद है लोगों को जोड़ने का, इंसानियत को एक तरफ करने का, मजलूम को एक तरफ करने का, उनके खिलाफ एक आगाही एक आवाज़ उठाना, और उसको अगर हम किसी एक तबके का अगर हम उसका वो सिग्नेचर बना दें तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। रुलाने आती है याद हुसैन रोज मुझे, रुलाने आती है याद हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतज़ार करूं, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतज़ार करूं। और ये भी सुन लीजिए हिंदुओं ने कितना अकीदा है और कितनी उनमें उनमें चाहत और मोहब्बत है कि हुसैन तेरे नाम पर फिदा हैं सारे भारती, हुसैन तेरे नाम पर फिदा हैं सारे भारती। अरे कहीं है तेरे ताजिए, कहीं है तेरी आरती, हम ब्राह्मणों ने भी तुझे कहा है देवता हुसैन, शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लखनऊ की मिली जुली तहसीब में गम की इन महफिलों की एक अलग शान है। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की एक खास पहचान है। मेरे मासूम, मेरे लगते जिगर, हाय मेरे मासूम नन्हे असगर, मासूम तशना लब
کو پانی ذرا پلا.